फायदा उठाना है तो हर मौका का उठाओ, लेकिन तब नहीं जब कोई तकलीफ में हो। सोच ये ना रखो कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पाँव रखूँ वो रास्ता अच्छा हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे, और हमेशा मस्त रहिए और मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो फ्रेश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं एक बना रही हूँ जबरदस्त वाला ड्रिंक, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये वाला ड्रिंक है जो ना हमारे जो इम्यूनिटी होता है ना, उनको बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो इस वजह से ना इनको जरूर मतलब हफ्ते में एक या दो तीन बार आपको पीना जरूरी चाहिए। आजकल का डेट में आप लोग को पता होगा कि हेल्थ का इशू ना बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ना इसको आजकल कितना आप लोग दवाई खाओगे, तो इस वजह से ना घरेलू उपाय है जो सबसे बेस्ट होता है, उसको ही अपनाइए और हमेशा के लिए हेल्दी रहिए। ये वाला ड्रिंक में ना मैं डाली हूँ अदरक थोड़ी सी डाली हूँ, और ढेर सारा तुलसी का पत्ता और काली मिर्ची इलायच, उसको डाल के मैं ये वाला ड्रिंक बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ना दो ग्लास पानी लेना चाहिए। दो ग्लास को बॉईल करोगे, जब तक वो एक ग्लास पानी हो ना जाए तब तक आपको बॉईल करना है। और एक ग्लास पानी होने के बाद बस इसके अंदर थोड़ी सी मैं हनी डाल दिया हूँ, और हनी डाल के बस इसको पियेंगे। थोड़ी थोड़ी जैसे चाय पीते हैं उस तरह का आप लोग इसको पियेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं जो 32 बार फार्मूला को क्यों चुना हूँ, ये भी मेरे लाइफ में एक बेस्ट पार्ट है। मैं आगे मतलब वीडियो को कंटिन्यू करिए, मैं आगे जाकर जरूर मैं आपको बताऊँगी। तो हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो मॉर्निंग का जो भी काम है आधा मतलब कर दिया हूँ, और भी बाकी है कुछ। और मैं अभी सब्जी बैठा के आई हूँ, और इसको जो मैं आज ये वाला पानी मतलब बनाई थी, ये वो वाला पानी जो है ना, ये इम्यूनिटी मतलब बूस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से आज मैं ये पानी ले रही हूँ। दो तीन दिनों से ना मुझे बासी हो रहा है, तो मतलब सर्दी में थोड़ी सी मतलब लग रहा है कि सर्दी हो गया है, इस वजह से मैं सोचा कि ये पानी ले लूँ और अच्छा रहेगा। तो इस वजह से ये पानी लेकर आई हूँ, थोड़ी थोड़ी करके पीऊँगी। बेली फैट किससे कम करना है, बहुत बड़ा मतलब फायदा देता है वो वाला ड्रिंक, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट मंथ से ना मिष्टी जाएगी स्कूल, और आज इसी वजह से ना हस्बैंड ने आज टिफिन नहीं लेकर गए हैं, और वो मतलब चले गए हैं ऑफिस, बट आएंगे 9 या 9:30 को आ जाएंगे। और मैं अभी बस रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाने के बाद वो लेके जाएंगे आके। वो स्कूल भी जाना है कल, मतलब मिष्टी का फ़ोन आया था स्कूल से कि उनका जो सामान मतलब बुक हो गया, ड्रेस स्कूल का ड्रेस वो सारे देंगे, इसी वजह से वो मतलब फ़ोन करके कल रात को फ़ोन किए थे, और इसी वजह से हस्बैंड ने आ जाएंगे मतलब बोल के, थोड़ा ऑफिस से आके स्कूल जाएंगे और उनका जो भी सामान है वो लेकर आएंगे घर, और वो टिफ़िन भी लेकर जाएंगे। इस वजह से मैं आज मॉर्निंग में नहीं बनाई थी उनके मतलब टिफ़िन, बस वही है। मिष्टी स्कूल जाएगी, स्कूल जाएगी मिष्टी, बैग उसको हमेशा चाहिए स्कूल बैग। स्कूल जाकर क्या करोगी, स्कूल जाकर क्या करोगी? ओके मामा। क्या करोगी स्कूल जाके? स्कूल में क्या करते हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बहुत कड़वा है ये जो है पानी, ये बहुत कड़वा लग रही है क्योंकि ना इसमें जो डाली हूँ ना, और ये गले के लिए ना बहुत अच्छा है, गले में जो मतलब खिंच हो रहा है ना वो ठीक हो जाएगा इस ये जो पानी से। मामा गला। तो अभी मैं जाती हूँ मिष्टी को ब्रश करा दूंगी, वो अभी अभी उठी है
फ्रेंड्स बाहर ना इतना मतलब साउंड आ रहा है, ये जो गाड़ी जा रहा है ना, तो उसी वजह से सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि ना ये तो मतलब रोड के साइड में घर है, तो आना जाना तो गाड़ी का चलता रहेगा और मैं भी क्या कर सकती हूँ। बस ये जो आवाज़ बहुत मतलब हमेशा ये आवाज़ मतलब आते रहते हैं। चलो चलो, तो मैं इसको जल्दी जल्दी पी लेती हूँ, ये हो गया है मिष्टी, ये पी लो थोड़ी सी, अच्छा है। चलिए मैं इसको फिनिश कर देती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद मैं जाके आप लोग के साथ मिलती हूँ। फ्रेंड्स मिष्टी को ब्रश करा के उसको खिला दिया हूँ और वो यहीं पे खेल रही है, तो मैं आ गई इधर, घर की आज सफाई करूँगी और मेरा आज एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि ना आप लोगों को पता है ये जो काम है ये एक्सरसाइज के जैसा मतलब काम भी करता है, ये जो सफाई वगैरह करो तो एक्सरसाइज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलेगा। तो बस मैं सोचती हूँ कि ये जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँ, और ये देखो टाइम भी मेरा मतलब अभी 10 बजने वाला है, और इसमें जल्दी जल्दी ये फिनिश कर देती हूँ और हस्बैंड भी आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बोल रही थी ना आपको 32 बार को मतलब क्यों चुना हूँ, तो फ्रेंड्स हम लोग जो खाने खाने को धीरे धीरे खाते हैं और उसको हमेशा के लिए मतलब आदत बना लेते हैं, और फ्रेंड्स चाहे कितना भी टेस्टी खाना हो, चाहे हम कहीं पे भी जाएं और हमारा जो खाने पीने का ना उसको हम थोड़ा मेंटेन कर पाएंगे, तो फ्रेंड्स हम मतलब ये जो खाने पीने से ही ये लोगों का जो वजन है वो बढ़ता है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम लोग ना हाँ टेस्ट में आकर ना बहुत ज़्यादा मतलब खा लेते हैं, वो भी मतलब क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो फ्रेंड्स टेस्ट में आकर हम लोग को भूल जाते हैं मतलब कितना हम लोग को खाना खाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये जो हमें 32 बार फार्मूला, ये हमें रोक देती है। जब हम खाने को धीरे धीरे मतलब स्लो स्लो खाते हैं तो 10-20 मिनट के बाद ना हमें जो ढक्कर वो आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं वो मतलब एक मतलब संकेत देता है कि अभी खाना बस हो गया, इतना ही खा लो। कहीं ना कहीं ये जो 32 बार फार्मूला हमें रोक देती है, जब खाने को हम धीरे धीरे खाते हैं ना 32 बार चबा चबा के खाते हैं, तो 20-25 मिनट के बाद ना हमें ढक्कर या आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें मतलब हमारा माइंड है जो वो हमें रोकती है खाने से, तो बस बेटा इतना ही हो गया और आगे मत खाओ। और जब हम धीरे धीरे खाएंगे और चबा चबा के खाएंगे, तो चाह कर भी हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, और कहीं पे हो और किसी जगह पे हो हमारी ये जो आदत है ना ये पूरा आदत बन जाएगी और ज़्यादा आप लोग नहीं खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आदत मतलब पड़ जाएगी ना, आप ये रूल आसानी से फॉलो मतलब कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 32 बार फार्मूला को हमें मतलब रूटीन में शामिल कर देते हैं ना, हमें आगे कुछ भी ज़्यादा करने को नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स आप कभी भी मतलब अनहेल्दी कुछ मतलब खाना खाते हो तो आपका मतलब वेट गेन ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे पहले मतलब होता था, मतलब जो भी हम लोग 15 मिनट में बहुत ज़्यादा मतलब खाते थे, उस तरह का मतलब खाने से वेट मतलब गेन होता है, वहीं पे आप धीरे धीरे खाने से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, तो उस वजह से आपका वेट गेन नहीं होगा। और इस तरह मतलब इस रूल को फॉलो करने से आपको मतलब जो भी खाना खाओ आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा, बस आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरा क्लीनिंग हो गया है और मैं अभी जाऊंगी नहा के आ जाऊंगी, और मेरे में और पेशेंस नहीं है आप लोगों के साथ बात करने के, तो मैं नहा के आ जाऊँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ इवनिंग के टाइम में। तो फ्रेंड्स ये है आज का मेरी लंच है, चावल थोड़ी सी और दाल और मैंगो, और मैं ना ये छोटी वाला फिश फ्राई करती, बस
मतलब कुछ भी मसाला नहीं, बस नमक और हल्दी डाल के फ्राई मतलब की थी, बस वही मैं आज खाऊंगी। तो चलिए आज हम लोग लंच मतलब अभी करते हैं, मिष्टी तो खा चुकी है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ इवनिंग। तो फ्रेंड्स अभी मतलब इवनिंग का टाइम है और हस्बैंड ने यहीं पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, बस हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया था और उसके बाद वो टीवी देख रहे हैं और मिष्टी को भी मैं थोड़ी सी पढ़ाई और पढ़ाने के बाद वो देखो कैसे खेलने लगी है और उसको खेलने देते हैं। तो चलिए मैं अभी मेरा सब्जी बन गया है, बस मैं रोटी बनाऊँगी और चलिए फ्रेंड्स मैं अभी रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाने के बाद इसको मैं धो के रख दूंगी बेलन को, क्योंकि ना इसको मैं हमेशा धो के रखती हूँ, क्यों ना बोलते हैं कि इसमें लक्ष्मी माता वास करते हैं और इसको हमेशा धो के रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी मेरा रोटी बन चुका है। तो फ्रेंड्स मैं अभी रोटी बना के आई हूँ और हस्बैंड ने अभी टीवी देख रहे हैं, बोले कि और 5 मिनट्स के बाद वो खाएंगे, तो इस वजह से मैं सोचा कि आप लोग के साथ कुछ बात कर लूँ। फ्रेंड्स कमेंट आ रहा था कि ये जो 32 बार फॉर्मूला है ना, इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? हाँ फ्रेंड्स, आपको ना एक्सरसाइज 32 बार फॉर्मूला के साथ आपको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, क्योंकि ना बस खाली मतलब 32 बार करने से कुछ नहीं होगा, बस आपको उसके साथ एक्सरसाइज करना है और उसके साथ जो भी मतलब ड्रिंक लेना चाहिए उसको भी लेना है और ग्रीन टी भी पीना चाहिए। बस मैं अभी नहीं पीती हूँ क्योंकि ना मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ता है, मैं ना जो घरेलू में जो बनता है ना मैं उसको ही पीती हूँ, बस वो हो गया मेरे लिए। वो काम कर रहा है तो इस वजह से मुझे और बाहर की जो चीज है उसको मैं यूज नहीं करती हूँ, बस घर में मेरा हो जाता है और उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, आप ना जितना काम करते हो सब से ही आपको खाना खाना चाहिए, आप जितना हो सके ना सब्जी वगैरह खाइए, बस इसी हिसाब से आप लोग आराम से अच्छे ही स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तो फ्रेंड्स मैं ना आप लोग को और एक बात बोलना चाहूँगी कि वो ना बेली फैट के लिए आप लोग उसको ना घर में बना के पी सकते हो, वो ना बहुत फायदेमंद है और मतलब निश्चित मात्रा में आपका जो बेली फैट जरूर मतलब कम ही होगा। मैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ वो शेयर करूंगी, वो क्या चीज है उसको पीना चाहिए और मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को आप लोग मतलब इतने मेहनत करना पड़ता है ना आप लोग के वजह से खास करके, तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिए और हो तो मतलब एक लाइक जरूर करना और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताना मेरा जो वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आपके जो कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अभी मैं जाऊंगी, बस खाना पीना होगा रात का जो मतलब खाना है, बस मैं रोटी बनाई हूँ और थोड़ी सी सब्जी बनाई हूँ और फ्रेंड्स आप जितना हो सके ज्यादा सब्जी खाइए और हेल्थ रहे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो को 8 पे एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।